न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़, सच को रखे आपके आगे। कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर तमाम तफसीलात बताई है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 बीजेपी ने जो पार्लियामेंट में पेश किया है, उसकी अहम वजह ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन रखने वाला अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रेलवे डिपार्टमेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिफेंस है उनके पास है, और चौथे नंबर पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो बीजेपी चाहती है कि इस चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ज़मींदार है वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको चौथे नंबर से 40वें नंबर पर ला दे। इस वजह से उन्होंने एक काला कानून बनाते हुए एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया, जिसको बहुत ही काबिलियत के साथ राहुल गांधी जी, जो पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने उस बिल के बारे में कहा कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी JPC को भेजा जाए और वहाँ पे वो लोगों की राय लेंगे, उसके बाद हम उसके उस बिल के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही इस बिल को राहुल गांधी जी के कहने पर JPC को भेजा गया, तो वहाँ पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जमियतुल उलमा है और कई ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस JPC से रुजू हुए और उन्होंने इस बिल को अपोज़ किया, और अपोज़ करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, एक मेल आईडी उन्होंने तैयार की, एक स्कैनर तैयार किया, जिस स्कैनर को हमें चाहिए कि स्कैन करके अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मेल करेंगे तो वो कितने करोड़्स ऑफ मेल उनको रिसीव हुए, वो मेल्स वो बताएंगे कि देखो इतने करोड़्स ऑफ लोग इस बिल को अपोज कर रहे हैं, वो मेल JPC को बताया जाएगा, और उसके बाद वो एतराज़ात को देखते हुए वो लोग पार्लियामेंट में इसको बोलेंगे कि इतने करोड़्स ऑफ लोग इसके ख़िलाफ़ है, लिहाजा इस बिल को रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसका छोटा सा प्रोसेस है कि आपको जो स्क्रीन पे जो स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर को आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको एक ब्लू लाइन आएगी, एक मेल आपके फ़ोन से ओपन होगा, उसमें ब्लू लाइन पे ओपन मेल बोल के आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद वो पूरा मैटर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तैयार किया वो आपके स्क्रीन पे आएगा। फिर उसके बाद आप उसको अगर एक फॉरवर्ड का बटन दबा दे तो वो मेल आपके फ़ोन से डायरेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पहुंच जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि करोड़्स ऑफ मेल अगर आएंगे तो वो मेल्स के डिटेल्स मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड JPC को यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बताकर इस बिल को रोकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकंड का है। अगर हम 5 से 6 सेकंड का प्रोसेस करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है तो फिर आप तैयार हो जाइए कि इस मुल्क में जो 3 लाख से ज़्यादा मसाजिदें हैं, हज़ारों खानखाएं हैं और 10 लाख एकड़ से ज़्यादा जो वक्फ की ज़मीन है, ये सब चीज़ सब कुछ तबाह होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आप इसको इतना गफलती में या इतनी आसानी से मत लीजिए और अपना 5 से 6 सेकंड का प्रोसेस करके इसको इमीडिएट फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि कल यानी 13 सितंबर को इसकी आखिरी तारीख है। कल जुमे की नमाज़ के बाद हर मस्जिदों में ऐलान कीजिए और मस्जिदों के बाहर वहाँ के ज़िम्मेदार नौजवान कमेटियाँ वाले एक 4-5 काउंटर लगाइए, टेबल्स लगाइए, उस पर स्कैनर की फ़ोटो रखिए और लोगों को गाइड कीजिए कि सिर्फ इसको स्कैन कीजिए, और जो भी मुसल्ली नमाज के बाद बाहर निकलेंगे उनको कहिए कि आप स्कैन करके ही जाइए, तो वो लोग स्कैन करके मेल करके जाएंगे, तो इससे करोड़्स ऑफ लोगों का अगर जाएगा तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वरना अल्लाह ताला का भी निज़ाम है कि वो गाफिलों की मदद नहीं करता। अगर आपके पास 5 सेकंड का वक्त नहीं है तो फिर आप सूरह अर्रात की में अल्लाह ताला सूरह नंबर 13 और आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि मैं उस कौम को नहीं बदलता जो ख़ुद अपने आप को नहीं बदलना चाहती। तो इस वजह से हमें चाहिए कि अपने आप को बदलें। हमारे टाइम में से सिर्फ एक 6 सेकंड का वक्त निकाल के इस मेल को फॉरवर्ड कीजिए, जो बाहर NRIs है, दुबई, सऊदी, अमेरिका, जहां जहां पर भी हिंदुस्तानी रहते हैं, उन सब के चाहिए कि इस मेल को, स्कैनर को फॉरवर्ड कीजिए, कम से कम इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। आप करने के बाद आपके घर के जितने फ़ोन्स हैं उन सारे फ़ोनों से ये स्कैन कराइए और मेल फॉरवर्ड कीजिए। और इस चीज़ में आप इस बिल को अपोज करने के लिए मेल कर रहे हैं, मगर गफलती में मत रहिए कि जो दूसरे तबके के लोग हैं उन लोग बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं इस बिल की ताईद में, वो भी एक स्कैनर तैयार किए हैं। तो अगर हम गफलती में रहेंगे तो सारी हमारी मसाजिदें, हर वो चीज़ तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे हमें चाहिए कि इस पर गौर करें और इस पर इमीडिएट एक्शन लेते हुए अभी इस मेल को फॉरवर्ड कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह गणेश महाराज जी के पंडाल में उपस्थित है, उन सबसे ये निवेदन है, वक्फ लैंड वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीनें, मंदिरों की हो या बहुत सारी जमीनें जनता की हो, वक्फ के नाम पर कब्जा की गई। आज 9 लाख एकड़ लैंड पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वक्फ बोर्ड में संशोधन लाने के लिए जनता की राय पूछी है। तो आप सबको एक लिंक आया होगा, जस्ट आपको मेल करना है कि इसमें संशोधन होना है या नहीं होना है। और हम लोग जितने भी जो गणेश पंडाल है, हर पंडाल में घूम रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी हाल में आप लोगों को भी अपनी राय मेल के माध्यम से केंद्र को भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी यहां पर उपस्थित है, आप सबसे निवेदन है कि QR कोड भी वहां पर लगा हुआ है, जस्ट आपके फोन पे अगर स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा मैटर आपको मेल आईडी आ जाएगा, उस पर मैटर आप लिखकर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तेलुगु लोग बड़ा जबता अंदर की ओर रिक्वेस्ट, वक्फ बोर्ड लो కొద్దిగా ఇంప్లిమెంట్ కొన్ని చేంజెస్ గురించి కేంద్రం పబ్లిక్ ఒక అడ్వైస్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు। QR కోడ్ కూడా ప్రతి ఒక్క మండపంలో కూడా చాలా వరకు పెడుతున్నారు। మీ అభిప్రాయం కూడా మీరు స్కాన్ చేసి మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు కేంద్రంకి, మీ మనసులో ఉన్న ఆ విషయం కూడా మీరు కేంద్రంకి చెప్పొచ్చు। ఎందుకంటే మొత్తం భారతదేశంలో చాలా వరకు 9 లక్షల ఎకరాల ల్యాండ్ ఈ వగ్బోడోలు కబ్జా చేసుకున్నారు। ఆ ల్యాండ్ మన భారతదేశంకి మంచిగా ఏదో ఒక పని మంచి గురించి ఉపయోగం రావాలంటే అందరు మీ అభిప్రాయం కూడా మీరు మెయిల్ పెట్టాలని కేంద్రం ఒక మంచి ఉద్దేశంతోని మీ అందరితోని సజెషన్ అడుగుతున్నారు। నేనైతే వగ్బోడే తీసేయాలని నేనైతే కోరుతున్నాను, కానీ దాంట్లో జనాలు అభిప్రాయం కేంద్రం అడుగుతుంది, మీ అభిప్రాయం కూడా పంపించాలని నేను మీ అందరికీ కోరుతున్నాను। ఇంకా మా రవి బాయికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, వీరు నాకు ఇక్కడ చెప్పనికే అవకాశం ఇచ్చారు, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड्स। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाबकट्टा में रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह, मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।